देखिए, सर्वप्रथम मंच को प्रणाम करता हूँ। समक्ष बैठे मंचों तक मुझे ले जाने वाले मेरे बड़े भैया डॉक्टर भारत भूषण यादव जी बैठे हैं। अरविंद पांडे सर का नाम सुना था, आज साक्षात मुलाकात है। निश्चित रूप से चंदौली अपने आप में एक समृद्ध जनपद है। राकेश जी लगातार चंदौली में चंदौली का नाम रोशन कर रहे हैं। हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में साथ साथ रहते थे, पढ़ते थे। और आपको बताऊं कि मैं यूं ही कभी नहीं हूं, मैं पेशे से अध्यापक हूं, वो भी प्राइमरी स्कूल में। कि जो सच्चे हैं उन्हें सच्चा रहने दो, जो सच्चे हैं उन्हें सच्चा रहने दो, गर हम कच्चे हैं हमें कच्चा रहने दो। जो सच्चे हैं उन्हें सच्चा रहने दो, गर हम कच्चे हैं हमें कच्चा रहने दो। सुना है बच्चे भगवान के रूप होते हैं, सुना है बच्चे भगवान के रूप होते हैं, हम बच्चों के बीच रहते हैं हमें बच्चा रहने दो, बच्चा रहने दो। वाह नागेश भैया, वाह क्या बात है। प्राइमरी स्कूल से आप सभी वाकिफ हैं, और मैं प्राइमरी स्कूल में ऐसे ही नहीं चलाया, उसके पहले मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शिक्षा शास्त्र विभाग में और रांची विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में मैं प्राध्यापक हुआ करता था, कंट्रैक्चुअल। 4 बार नेट और 11 पीएचडी करने के बाद प्राइमरी स्कूल में हूँ, और फिर कविताएं आपको सुना रहा हूँ मंचों से। स्वागत। एक बार पुनः मंच को प्रणाम करते हैं। एक दो मुक्तक और चंदौली की वो गीत कि जो जमी पर उतर कर जिया ही नहीं, जो जमी पर उतर कर जिया ही नहीं, जहर जिंदगी का पिया ही नहीं, कैसे जमाना याद करेगा उसे जो दूसरों के वास्ते कुछ किया ही नहीं, बहुत जो दूसरों के वास्ते कुछ किया ही नहीं। आज माता जी को याद कर रहे हैं। मैं ये 4 पंक्तियां आदरणीय आशुतोष जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल की बहुत खूबसूरत थी वो, दिल की बहुत खूबसूरत थी वो, साक्षात ममता की मूरत थी वो, उसकी अहमियत मेरे लिए इतनी थी कि हर पल मेरी जरूरत थी वो, कि हर पल मेरी जरूरत थी वो। वास्तव में माँ ऐसी होती है कि हमारे हर सुख दुख के वो ध्यान रखती है। एक मुक्तक कि जख्म पर किसी के जो मरहम लगाते हैं, जख्म पर किसी के जो मरहम लगाते हैं, है तजुर्बा मेरा वो सदा मुस्कुराते हैं, है तजुर्बा मेरा वो सदा मुस्कुराते हैं। सुकून नहीं मिलता जिंदगी में कभी उनको, सुकून नहीं मिलता जिंदगी में कभी उनको, जो अपने माँ बाप के दिलों को दुखाते हैं, जो अपने माँ बाप के दिलों को दुखाते हैं। और दो पंक्ति और माता जी को समर्पित कि जिंदा वो रहते हैं मर कर भी जमाने में, जिंदा वो रहते हैं मर कर भी जमाने में, जिंदा वो रहते हैं मर कर भी जमाने में, जो अपने सुकर्मों से
इतिहास बनाते जो अपने सुकर्मों से इतिहास बनाते हैं। दो मिनट चाय को रोक दें तो चाय ठंडी तो नहीं होगी, रुक जाए दो मिनट। पीछे युवा साथी बैठे हैं कि साहिल के वास्ते तूफान से लड़ना सीखो। दमदार जी, साहिल के वास्ते तूफान से लड़ना सीखो, मुश्किलें लाख हो आगे बढ़ना सीखो। साहिल के वास्ते तूफान से लड़ना सीखो, मुश्किलें लाख हो आगे बढ़ना सीखो। छूनी है गर हिमालय की चोटी तो पहले पहाड़ियों पे चढ़ना सीखो, पहले पहाड़ियों पे चढ़ना सीखो। आइए वो चंदौली जिसके लिए आदेश हुआ है, पूरे देश में इस गीत को पढ़ रहा हूँ। चंदौली का एक परिदृश्य आपके समक्ष, इस गीत ने मेरी पहचान बनाई। और आपको बताऊँ, यहाँ एलुमा शंकर सर बैठे हैं, इस गीत को लिखने में आपका भी सहयोग लिया, और हमारे भैया भरत भूषण जी बैठे हैं, आप सबके सहयोग से गीत आपके स्वागत में सुने और आशीर्वाद दीजिएगा। कि धान कहूँ मैं कटोरा देखो, प्रीत के रीत की बोली हूँ। धान कहूँ मैं कटोरा देखो, प्रीत के रीत की बोली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। जब मैं एक जगह सुना रहा था, एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके कोख में वीर पलते हैं कैसे? हमने कहा तुम्हें 16 अगस्त 1942 याद है? तुम्हें 28 अगस्त 1942 याद है? नहीं तो मैं सुनाता हूं तुमको। कि धानापुर की वीर भूमि जब थाने में अंगार किया, गूंज उठी लंदन की सभा में ऐसा वो प्रतिकार किया। गूंज उठी लंदन की सभा में ऐसा वो प्रतिकार किया। स्वतंत्रता के मुरादियों में देशभक्ति का था उन्माद, मौत भी आएगी समर में इसका ना था उन्हें विषाद। मौत भी आएगी समर में इसका ना था उन्हें विषाद। मैं मोक्ष धाम के रूप में देखो, मैं मोक्ष धाम के रूप में देखो, गंगा तट पे नरौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। और हमारा जनपद पूरी दुनिया में जिस लिए जाना जाता है, मैं वो बात कहना चाहता हूँ कि चंद्रकांत और नौगढ़ का इतिहास मेरी धरोहर है। राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है। राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है। जगेश्वर नाथ का धाम यहाँ सबकी पीड़ा हर लेता है। कालेश्वर नाथ का धाम यहाँ सबकी पीड़ा हर लेता है। लतीफ शाह का बांध यहाँ मन को हर्षित कर देता है। लतीफ शाह का बांध यहाँ मन को हर्षित कर देता है। और अगली बात बहुत रिसर्च के बाद मैंने लिखा, मैं चंद्र प्रभा, मैं चंद्र प्रभा और कर्म नाशा के, मैं चंद्र प्रभा और कर्म नाशा के संगम पास धरौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। और अगला बंद जहां हम खड़े हैं वहां की बात होगी। दीन दयाल स्मृति उपवन औदत है पहचान मेरी। आप सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से पड़ाव पे बना।
दीन दयाल स्मृति उपवन अवधुत है पहचान मेरी, लाल बहादुर की जननी हूँ ऊंची से शान मेरी, लाल बहादुर की जननी हूँ ऊंची से शान मेरी। किनाराम की तपोभूमि और बुद्ध कलिय इतिहास हूँ मैं, किनाराम की तपोभूमि और बुद्ध कलिय इतिहास हूँ मैं। पश्चिम वाहिनी के तट पर वाल्मीकि के साथ हूँ मैं, पश्चिम वाहिनी के तट पर वाल्मीकि के साथ हूँ मैं। जहाँ सजा है बाग दयाल का देखो पावन धरा रमौली हूँ, मेरी कोख में वीर है पलते जनपद में चंदौली हूँ, मेरी कोख में वीर है पलते जनपद में चंदौली हूँ। और अंतिम बात इस बात से एलुमाय शंकर सर से ने बात किया, 32 से ज्यादा पद्म पुरस्कार इस चंदौली ने दिया है, तब मैं बात कहता हूँ। कला साहित्य संगीत से अपना नाता बहुत पुराना है, अनुराग कश्यप जी यहीं के, और देखिए कौन कौन लोग हैं यहाँ से। कला साहित्य संगीत से अपना नाता बहुत पुराना है, विद्याधरी कैलाश नामवर गिरजा का ये घराना है, विद्याधरी कैलाश नामवर गिरजा का ये घराना है। कमलापति की कर्म भूमि और राजित का यह सास हूँ मैं, मैं जिस राजित प्रसाद यादव की बात कर रहा हूँ उसके उनके बड़े सुपुत्र आदरणीय भरत भूषण जी मेरे बड़े भाई हैं, यहाँ बैठे हैं। कमलापति की कर्म भूमि और राजित का यह सास हूँ मैं, जो भी मेरी गोद में रहते सब जन का विश्वास हूँ मैं, जो भी मेरी गोद में रहते सब जन का विश्वास हूँ मैं। मैं सींच रही हूँ इस उपवन को गंगा धारा भूपौली हूँ, मेरी कोख में वीर है पलते जनपद में चंदौली हूँ, जनपद में चंदौली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।